पोईक्कल कुथिरई तमिल लैंग्वेज की एक्शन और थ्रिलर मूवी है जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। यह मूवी हिंदी में सुपर डैडी नाम से है। मूवी में लीड रोल में है प्रभु देवा, वारालक्ष्मी शरत कुमार, रईसा विल्सन, प्रकाश राज, जॉर्ज कोकेन और बेबी अजिया। वहीं मूवी को डायरेक्ट किया है संतोष पी जय कुमार ने। मूवी की शुरुआत में देखने को मिलता है कि कदरीवन, जिसका एक पैर नहीं है, उसे कुछ लोगों द्वारा बांध कर लटकाया गया है। वो लोग कदरीवन की पिटाई करते हैं, फिर उसे जमीन पर गिरा देते हैं। एक आदमी उसे उसके प्रोस्थेटिक लेग को दिखाता है। इस पर कदरीवन कहता है, चाहो तो मेरा दूसरा पैर भी तोड़ सकते हो, पर मेरे नकली पैर को तोड़ने की कोशिश भी मत करना, वरना मार डालूंगा। यहाँ से कहानी कुछ महीने पीछे पास्ट में जाती है, जहाँ देखने को मिलता है कि कदरीवन एक मेले में अपनी बेटी मगेल के साथ डांस करता है। अगले दिन कदरीवन अपने दोस्त मदन के साथ पेस्ट कंट्रोल कंपनी में काम करता है। तभी उसे कॉल आती है और वह अपने कॉलोनी के काउंसलर के बुलाने पर कॉलोनी में जाता है। वहाँ एक व्यक्ति काउंसलर से कदरीवन की शिकायत करता है। वह बताता है कि जब मैं नहा रहा था, उसी समय टंकी से आ रहा पानी रुक जाता है। जब मैं टंकी के पास गया तो पता चला कि कदरीवन ने टंकी की पाइप को अपने घर में लगा रखा है और अपनी बेटी के लिए स्विमिंग पूल बना दिया है। इस पर कदरीवन कहता है, मेरी बेटी को स्विमिंग सीखना था, इसलिए मैंने इनसे कहा कि कॉलोनी में स्विमिंग पूल बनवा दें। तो इन्होंने कहा कि अपनी बेटी को घर में ही स्विमिंग सिखाओ, एसोसिएशन कुछ नहीं कर सकता। कई लोग कदरीवन से उसकी बेटी की शिकायत करते हैं, पर कदरीवन अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन कदरीवन अपनी बेटी मगेल के साथ बस से जा रहा होता है। बस में एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ खड़े होकर सफर कर रही होती है। एक आदमी उस छोटी बच्ची को बैग टच करता है। वह बच्ची अपनी माँ से शिकायत करती है, पर उसकी माँ उसे चुप रहने को कहकर आगे बुला लेती है। कदरीवन यह देखकर महिला से कहता है कि आपकी बेटी बैग टच को जानती है, उसकी मदद करने की बजाय आप उसे चुप रहने को कह रही हैं। आपको इन बुरे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। ये कहकर कदरीवन उन बदमाशों की पिटाई शुरू कर देता है। वह एक एक कर सभी की पिटाई कर बस से बाहर फेंक देता है। वह महिला कदरीवन को धन्यवाद देती हैं। इस पर कदरीवन कहता है कि आपकी बेटी कुछ कहना चाहती है तो आप उसकी बात सुनिए, उसे भरोसा दिलाइए कि आप उसके साथ हैं, जिससे वह अपनी बातें और परेशानियां आपसे खुलकर कह सके, ना कि आप उसे चुप रहने को कहें। इस तरह आप अपनी बेटी की परेशानी कभी नहीं जान पाएंगी। छोटी बच्ची भी कदरीवन को धन्यवाद देती है। अगले सीन में कदरीवन अपने वकील से मिलता है। कदरीवन का वकील बताता है कि तुम अपनी पत्नी के एक्सीडेंट पर किया गया क्लेम जीत गए हो। ये कहकर वह कदरीवन को उसकी पत्नी के एक्सीडेंट में मौत पर प्राप्त क्लेम की रकम देता है। कदरीवन घर जाता है, जहां मदन उसे पैसे से नया बिजनेस करने को कहता है, पर कदरीवन मना कर देता है। कदरीवन बताता है कि मैं मगेल की माँ की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मगेल की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर काबिल बने, इसलिए यह पैसे मैं मगेल की शिक्षा के लिए फिक्स करूंगा। मगेल कहती है कि यह पैसे मेरी माँ ने भेजे हैं ना, इसलिए हम इन पैसों से आपके लिए पैर खरीदेंगे। मगेल कदरीवन से प्रोस्थेटिक लेग लगवाने को कहती है। कदरीवन इमोशनल हो जाता है, लेकिन वह मना कर देता है। यह देख कर मगेल छत पर भाग जाती है। वहीं पड़ोस में रहने वाली गौरी आती है और कदरीवन से कहती है कि छत पर जाकर देखो तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। कदरीवन और मदन ऊपर जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि मगल एक पैर पर खड़ी है। कदरीवन कहता है कि बेटा, एक पैर पर खड़ी रहने से तुम्हारा एक पैर सूज जाएगा। मगल कहती है, आपका पैर भी तो एक पैर पर खड़े रहने से सूज जाता है। कदरीवन कहता है, बेटा मुझे इसकी आदत हो गई है, पर मगल नहीं मानती। कदरीवन मगल की जिद मान लेता है और प्रोस्थेटिक लेग लगवाने को तैयार हो जाता है। अगले दिन कदरीवन प्रोस्थेटिक लेग लगवाने के लिए पैर की माप देता है और कुछ दिनों में उसे प्रोस्थेटिक लेग मिल जाता है। वह धीरे धीरे प्रोस्थेटिक लेग से चलने की प्रैक्टिस करता है। स्कूल में एनुअल डे पर मगेल डांस करते हुए बेहोश हो जाती है। कदरीवन उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे एनेमिली की समस्या है। हार्ट में दिक्कत की वजह से मगेल को सांस लेने में दिक्कत होती होगी और ये हार्ट की समस्या उसके पैदा होने के समय से है। डॉक्टर सर्जरी की सलाह देते हैं। महेश नाम के डॉक्टर उसे सर्जरी में होने वाले खर्च 70 लाख रुपए बताते हैं। मदन और कदरीवन सोच में पड़ जाते हैं। कदरीवन सेंट्रल जेल जाता है, जहां वह अपने पिता से मिलता है और पूछता है कि आपने इतनी चोरियां की हैं, आपने कहीं पैसे रखे हैं? मगेल के इलाज के लिए मुझे 70 लाख रुपए चाहिए। कदरीवन के पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं। कदरीवन जाने लगता है तो उसके पिता कहते हैं, मैंने कहा पैसे नहीं है, पर मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी बेटी को बचाया नहीं जा सकता। कदरीवन के पिता उसे एक अमीर घर की बच्ची श्रेया को किडनैप करने को कहते हैं। कदरीवन नाराज होकर वापस लौट जाता है। कदरीवन अपने पहचान
पहचान के लोगों से पैसे की मदद मांगता है, लेकिन एक एक कर सभी बहाना बनाकर पैसे देने से इनकार कर देते हैं। कदरीवन अपने प्रोस्थेटिक लेग वापस करना चाहता है ताकि उसे पैसे मिल सकें, पर उसे लौटा दिया जाता है क्योंकि उसके प्रोस्थेटिक पैर की माप अलग है। कदरीवन घर के सामान बेच देता है। गौरी उसे अपने गहने बेचने को देती है जिससे वह 1,00,000 रुपए इकट्ठा कर हॉस्पिटल की फीस जमा करता है। डॉक्टर महेश उसे ऑपरेशन फीस जमा करने को कहते हैं। कदरीवन से एक व्यक्ति उसका हमदर्द बनकर मिलता है और उसे मदद का भरोसा दिलाकर अपनी एनजीओ ले जाता है। वहां पर एक व्यक्ति कदरीवन से कहता है कि हम आप जैसे गरीब लोगों की मदद करते हैं और फंड इकट्ठा करते हैं। वह कदरीवन से उसकी और उसकी बेटी की कहानी को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की बात करता है जिससे लोग पैसे के माध्यम से कदरीवन की मदद कर सकें। वह व्यक्ति इस हेल्प के बदले कदरीवन से वीडियो शूट के नाम पर 1,00,000 रुपए लेता है। वीडियो शूट होता है और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो जाता है। लोग 500 और 1,000 रुपए मदद के लिए सेंड करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में ही कलेक्शन लगभग 2 करोड़ रुपए का हो जाता है। कदरीवन अपने हिस्से का पैसा 70,00,000 रुपए मांगता है। वह व्यक्ति कहता है थोड़ा और पैसा इकट्ठा हो जाए तो तुम्हें 70,00,000 रुपए मिल जाएंगे। कदरीवन खुश हो जाता है और अपनी बेटी को बताता है कि तुम्हारा जल्द ही इलाज हो जाएगा। कदरीवन अपनी बेटी के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करता है। रात को कदरीवन और उसका दोस्त मदन एनजीओ ऑफिस जाते हैं जहां पता चलता है कि एनजीओ के सदस्य कई लोगों की परेशानियों के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे थे और अब वे पैसा लेकर वहां से फरार हो चुके हैं। कदरीवन को बहुत तकलीफ होती है। कदरीवन अपने पिता से मिलता है जो कदरीवन को बताते हैं कि जिन अच्छे लोगों को तुम ढूंढ रहे थे वो नहीं मिले तो तुम अब इस बुरे के पास आए हो। आजकल इंसान अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं देखता, बस इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से रास्ता चुनता है, जैसे इस समय तुम मुझे चुन रहे हो अपनी मदद के लिए। कदरीवन कहता है मुझे बस अपनी बेटी को बचाना है। कदरीवन के पिता बताते हैं जेल में हमें बस न्यूज़पेपर मिलता है जिसके माध्यम से मैंने पता लगाया है एक कहानी के बारे में। यह कहकर वह RMR ट्रांसकॉर्प के बारे में बताते हैं कि इस कंपनी की MD रुद्रा है। रुद्रा के पिता RMR ट्रांसकॉर्प के मालिक शिवा सुब्रमण्यम थे। वह अपनी बेटी रुद्रा से बहुत प्यार करते थे। देवा नाम के व्यक्ति को उन्होंने अपने लिए काम पर रखा था। इस बीच देवा और रुद्रा को एक दूसरे से प्यार हो गया, पर रुद्रा के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। रुद्रा ने देवा से शादी कर ली और घर को छोड़ दिया। रुद्रा की प्रेगनेंसी की बात सुन रुद्रा के पिता ने रुद्रा को माफ कर दिया और रुद्रा और शिवा को घर लेकर आए। रुद्रा को बेटी पैदा हुई। रुद्रा के पिता ने रुद्रा को तो अपनाया पर देवा को माफ नहीं किया। इस बीच उनकी कंपनी पर रेड पड़ी और वहां से ब्लैक मनी और ड्रग्स मिले जिससे रुद्रा के पिता शिवा सुब्रमण्यम का नाम खराब हो गया। RMR ट्रांसकॉर्प का नाम भी बर्बाद हो गया। इन बदनामियों के चलते रुद्रा के पिता ने आत्महत्या कर ली। रुद्रा को गहरा सदमा लगा। प्रेस और मीडिया ने देवा की भी निंदा की। देवा ने अपना नाम बचाने के लिए रुद्रा से दूर होने का सोचा। देवा रुद्रा के पिता को कोसता है। वह अपनी बेटी के साथ जाना चाहता है पर रुद्रा उसे अकेले जाने को कहती है और श्रेया को अपने साथ रखती है। कुछ समय बाद रुद्रा कंपनी की MD बन गई और सारे इश्यू को सही करती गई। इन सभी काम के प्रेशर के चलते रुद्रा की सेहत खराब होने लगी। रुद्रा ने अपनी बेटी श्रेया के लिए एक बॉडीगार्ड अहमद को रखा जो श्रेया पर 24 घंटे नजर रखता है। कदरीवन के पिता उसे कहते हैं कि सावधानी से काम को अंजाम देना, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कदरीवन कहता है मेरी बेटी जिंदगी के लिए लड़ रही है, उसे बचाने के लिए मैं मौत से भी लड़ जाऊंगा। ये कहकर कदरीवन श्रेया को किडनैप करने का प्लान तैयार करना शुरू करता है। कदरीवन का दोस्त मदन उसके प्लान के बारे में जान जाता है और कदरीवन की मदद करने को तैयार हो जाता है। कदरीवन रेंट पर एक कार लेता है। दोनों मिलकर रुद्रा और श्रेया को फॉलो करना शुरू करते हैं और उनकी डेली रूटीन की जानकारी इकट्ठा करते हैं। कदरीवन एक बैग में कॉकरोचेस लेकर उसे रुद्रा के ऑफिस में AC पाइप में डाल देता है जिससे अगले दिन कॉकरोचेस ऑफिस में गिरने लगते हैं। अहमद पेस्ट कंट्रोल को कॉल करता है। पेस्ट कंट्रोल से कदरीवन मास्क लगाकर आता है और पेस्ट कंट्रोल के बहाने रुद्रा के ऑफिस के डेस्क के नीचे माइक्रोफोन फिट कर देता है। रुद्रा के ऑफिस में डॉक्टर आता है और रुद्रा के हेल्थ के बारे में चेतावनी देता है कि आपको अपने BP को कंट्रोल में रखना होगा और स्ट्रेस से बचना होगा। डॉक्टर उसे बताते हैं कि आप अपने आई वॉच का हार्ट रेट मॉनिटर ऑन कर दीजिए। अगर आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो यह एक इमरजेंसी अलर्ट देगा और आप उसी समय अपनी दवा लेकर मुश्किल सिचुएशन से बच सकती हैं। ये सारी बात माइक्रोफोन की मदद से कदरीवन सुनता है। रुद्रा के वकील रुद्रा को बताते हैं कि आपके पति देवा बच्ची को
फ्राइडे को मिलकर उसे दो दिनों के लिए अपने साथ ले जाएंगे। रुद्रा बॉडीगार्ड को आदेश देती है कि वो शनिवार को शाम को श्रेया को लेने जाएगा, फ्राइडे को बच्ची को स्कूल से लेने देवा जाएगा। ये बात कदरीवन सुनता है और मदन को बताता है कि यही वह समय है जब हम श्रेया को किडनैप करेंगे, तुम बस ये देखना कि देवा बच्ची को लेने देर से पहुंचे। अगले दिन देवा की कार को दो ऑटो वाले आगे और पीछे से ब्लॉक कर देते हैं। रुद्रा का बॉडीगार्ड रुद्रा को बताता है कि एक अपाहिज व्यक्ति आप पर नजर रख रहा है और आपके डेस्क के नीचे से मुझे माइक्रोफोन मिला है। तभी रुद्रा को कॉल कर देवा उसे डांटता है कि तुम मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलने देना चाहती हो। यह सुनकर रुद्रा अपने बॉडीगार्ड से कहती है वह अपाहिज व्यक्ति मुझ पर नहीं श्रेया पर नजर रख रहा है। दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं। इधर कदरीवन स्कूल में जाकर श्रेया को बुलाने को कहकर अपना आईडी देता है। एक प्यून श्रेया को लेने के लिए क्लास की तरफ जाता है। उसी समय रुद्रा और उसका बॉडीगार्ड स्कूल में पहुंचे हैं। स्कूल का स्टाफ बताता है कि कदरीवन आपकी बच्ची को लेने आया है। रुद्रा कदरीवन की तरफ बढ़ती है, तभी प्यून आकर बताता है कि श्रेया स्कूल में नहीं है। रुद्रा का बॉडीगार्ड कदरीवन पर हमला कर उसे घायल कर देता है। यहां से कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहां कदरीवन को रुद्रा के आदमियों ने बांध रखा है। रुद्रा को एक पार्सल मिलता है जिसमें उसकी बेटी के येलो कलर का ड्रेस होता है। वह ड्रेस लेकर आती है और कदरीवन को थप्पड़ मारती है। रुद्रा अपनी बेटी के बारे में पूछती है। कदरीवन कहता है कि मैंने आपको एडवांस में एक पार्सल भेजा था, वह मंगवाइए। एक नौकर पार्सल लेकर आता है जिसमें एक येलो ड्रेस होती है और साथ ही एक चिट्ठी जिसमें 70 लाख फिरौती की मांग होती है। कदरीवन बताता है कि मैंने ये पार्सल पहले से ही प्लान कर भेजा था, पर मुझे नहीं पता कि किसने आपकी बेटी का किडनैप किया है। मैं आपकी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बस उसे किडनैप कर आपसे 70 लाख रुपए की फिरौती मांगता जिससे मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। रुद्रा के पूछने पर उसका बॉडीगार्ड अहमद बताता है कि ये सच कह रहा है, इसकी बेटी के हार्ट ऑपरेशन के लिए 70 लाख रुपए लगेंगे, मैंने पता कर रखा है। यह जान करके कि कदरीवन ने श्रेया का किडनैप नहीं किया है, रुद्रा की पल्स रेट बढ़ जाती है। रुद्रा कहती है अगर मेरी बेटी तुम्हारे पास है तो बता दो, मैं तुम्हें 70 लाख रुपए दे दूंगी। पर कदरीवन कहता है कि आपकी बेटी मेरे पास नहीं, लेकिन अगर मैं आपकी बेटी को बचाऊंगा तो आप 70 लाख रुपए देंगी। रुद्रा तैयार हो जाती है। वह कदरीवन को 48 घंटों का टाइम देती है। कदरीवन बॉडीगार्ड अहमद के साथ स्कूल जाता है जहां वह उस दिन के सिक्योरिटी कैमरों द्वारा ली गई वीडियोस देखता है जिसमें वह पाता है कि एक कॉर्पोरेशन वैन द्वारा श्रेया का किडनैप हुआ है। उसमें कुछ बाइकर्स भी दिखते हैं। वह बाइक शोरूम के मैनेजर से उसकी पिटाई कर सच कबूल कराते हैं। वह बताता है चाइल्ड केयर के डॉक्टर मनोहर के कहने पर वह बाइक देकर बच्चों पर नजर रखवाता है और बच्चों को किडनैप करवाता है। वह डॉक्टर मनोहर को टॉर्चर करते हैं। तो वह बताता है कि बच्चों के ऑर्गन्स निकालने के लिए उनका बॉडी चेकअप करता है और वह दुरई नाम के व्यक्ति के लिए काम करता है जो कंटेनर्स में रखकर बच्चों को दूसरे देश ले जाता है। वह डॉक्टर को लेकर शिपयार्ड जाते हैं जहां ढेर सारे कंटेनर्स रखे होते हैं। तभी डॉक्टर को गोली लगती है और वह मारा जाता है। कुछ आदमी कदरीवन और अहमद पर हमला करते हैं। कदरीवन और अहमद एक एक कर उनकी पिटाई करते हैं। तभी वहाँ RMR कंपनी का मैनेजर आता है जो इन सब कामों के पीछे होता है। तभी वहाँ देवा भी आ जाता है। हाथापाई में गोली चल जाती है और देवा के हाथों मैनेजर मारा जाता है। कदरीवन अहमद और देवा बच्चों से भरे कंटेनर को ढूंढते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें 25 बच्चों से भरा कंटेनर मिल जाता है पर उसमें श्रेया नहीं होती। अगले सीन में देवा रुद्रा से माफी मांगता है। तभी रुद्रा का नौकर बताता है कि पुलिस कमिश्नर आपसे मिलना चाहते हैं। रुद्रा कदरीवन को जाने को कहती है और अहमद को कहती है कि मैनेजर की हत्या के मामले में तुम सरेंडर हो जाओ, मैं तुम्हें बाद में बचा लूंगी। इसका आरोप मेरे पति देवा पे नहीं आना चाहिए। अहमद तैयार हो जाता है। कमिश्नर आते हैं और बंदूक के साथ अहमद को ले जाते हैं। रुद्रा पुलिस को श्रेया के बारे में नहीं बताती है। ये देखकर देवा नाराज होता है। रुद्रा कहती है कि श्रेया के किडनैपर्स को मुझसे कुछ चाहिए, वह जरूर फोन करेंगे। इधर कदरीवन और रुद्रा अपनी बेटियों के बारे में सोचकर चिंतित होते हैं। अगले दिन कदरीवन हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर महेश उसे बताते हैं कि तुम्हारी बेटी के ऑपरेशन के लिए RMR की MD रुद्रा ने 70 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं। खुश होता है और अपनी बेटी से मिलने जाता है पर उसकी बेटी नहीं मिलती। वह पूरे हॉस्पिटल में ढूंढता है पर वह मैगल को नहीं पाता। तभी उसे कॉल आती है कि तुम्हारी बेटी को मैंने किडनैप किया है, मेरे भेजे हुए एड्रेस पे आ जाओ। कदरीवन उस जगह पहुंचता है तो पाता है कि मदन और गौरी को बांध कर रखा हुआ है। कदरीवन को कॉल आती है कि तुमने मेरे द्वारा किडनैप 25 बच्चों को छुड़ा लिया जिससे मेरा काफी नुकसान हुआ है, अब तुम रुद्रा से उसकी बच्ची के लिए 10 करोड़ रुपए मांगो। कदरीवन कहता
कहता है कि रुद्रा नहीं मानेगी कि मैंने श्रेया का किडनैप किया है। इस पर वह व्यक्ति कहता है जरूर मानेगी। वह अपने आदमी से कहकर कदरीवन को श्रेया के पास भेजता है। कदरीवन रुद्रा को फोन कर बताता है कि मैंने आपकी बेटी का किडनैप किया है, पर रुद्रा नहीं मानती। इस पर कदरीवन वीडियो कॉल कर श्रेया को दिखाता है। कदरीवन रुद्रा से 10 करोड़ रुपए मांगता है। रुद्रा पैसे देने को तैयार हो जाती है। अगले दिन रुद्रा कार से 10 करोड़ रुपए लेकर निकलती है। वह कदरीवन से मिलकर उसे 10 करोड़ रुपए देती है, साथ ही वार्निंग देती है कि मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम तो गए। दोनों अपने अपने रास्ते लौटते हैं। एक जगह गाड़ी रुकती है और कदरीवन दौड़कर भागने का प्रयास करता है, पर वह पकड़ा जाता है। अगले सीन में वह फिर वहीं पहुंचता है जहां गौरी और मदन होते हैं। कदरीवन वहां मौजूद बदमाशों से अपनी बेटी के बारे में पूछता है, तो एक बदमाश बताता है कि मुझसे मत पूछो, यहां बैठे इस लड़के मदन से पूछो। तभी मदन अपने हाथ से रस्सी हटाकर खड़ा हो जाता है। मदन कहता है कि रुद्रा की बेटी को ढूंढने में तू इतना बिजी हो गया कि तूने मुझ पे शक ही नहीं किया। तूने अपनी बेटी के बारे में सोचा और मैंने पैसा कमाने के बारे में। कदरीवन मदन को मारने के लिए बढ़ता है, तभी वहां मौजूद गुंडे कदरीवन पर हमला कर देते हैं। तभी वहां कदरीवन की बेटी मगेल को लेकर देवा आता है, जो कदरीवन को अपने सारे प्लान के बारे में बताता है कि मुझे अपने इनलीगल काम को करने के लिए RMR जैसी किसी कंपनी का साथ चाहिए था। RMR की रेपुटेशन की वजह से विदेश जाने वाले उसके कंटेनर्स की जांच नहीं होती थी। सबसे पहले मैंने RMR के वर्कर्स को अपने फेवर में किया। RMR के मैनेजर के जरिए मैंने ड्रग्स, इनलीगल मनी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मैंने बहुत सारे पैसे कमाए। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन कंपनी पर रेड पड़ गई और कंपनी का नाम बर्बाद हो गया। प्रेस और मीडिया शिवा सुब्रमण्यम के पीछे पड़ गई, जिसका फायदा उठाकर मैंने उसे मार दिया और ऐसा दिखाया कि उसने सुसाइड किया है। रुद्रा इन सब बातों से टूट गई। मैंने सोचा कि मैं कंपनी का MD बनूंगा, पर रुद्रा खुद MD बन गई और उसने रूल बनाया कि बाहर जाने से पहले सारे कंटेनर्स की जांच होगी। इन सब से मुझे नुकसान हुआ और मेरे पार्टनर्स मुझे धमकी देने लगे। देवा बताता है कि मुझे 25 बच्चियों को किडनैप कर अफ्रीका भेजना था, तभी उनका नुकसान पूरा होता। कंटेनर्स भेजने के लिए मुझे रुद्रा के साइन चाहिए थे, इसलिए मैंने उसकी वीकनेस, उसकी बेटी श्रेया को किडनैप करने का प्लान बनाया ताकि वह साइन कर सके। इसी बीच तुम्हारा दोस्त मदन मुझसे मिला और बताया कि मदन और तुम श्रेया को किडनैप करना चाहते हो। मदन मेरे प्लान के बारे में जान गया था कि मैं अपनी बेटी को किडनैप करना चाहता हूँ। फिर मैंने मदन के साथ मिलकर श्रेया को किडनैप कर इल्जाम तुम्हारे ऊपर डालने का प्लान बनाया। हम दोनों ने मिलकर तुम्हारी किडनैप की प्लानिंग की कहानी को ओवरराइड किया, चाहे वो ऑटो के कारण कार रोकना हो या जानबूझकर कॉल करना जिससे रुद्रा स्कूल जाए। मैंने श्रेया को तुम्हारे स्कूल पहुँचने से पहले ही किडनैप कर लिया। तुम स्कूल उस बच्ची को किडनैप करने आए थे जो पहले ही किडनैप हो चुकी थी। तुम पकड़े गए और श्रेया किडनैप भी हो गई, पर तुमने ऐसा कुछ कर दिया जिससे मैं दंग रह गया। तुमने रुद्रा से बोला कि तुम उसकी बेटी को ढूंढ कर ले आओगे। तुमने एक एक कर मेरे आदमियों को ढूंढ निकाला। जब तुम कंटेनर्स के पास पहुंचकर मैनेजर से सच उगलवाने वाले थे, तो मैंने मैनेजर को गोली मार दी। मेरे द्वारा किडनैप 25 बच्चों को तुमने छुड़ा के मुझे गुस्सा दिला दिया। जब रुद्रा ने मुझे पुलिस से बचाया, तब मुझे लगा कि वह मुझसे नफरत नहीं करती, सिर्फ मुझसे गुस्सा है। अपने पार्टनर्स की वजह से मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर तुमसे ही रुद्रा से पैसे लाने को कहा। यह बताने के बाद देवा कहता है, मैंने तुम्हारी कहानी को ओवरराइड कर तुम्हें विलेन बना दिया और खुद हीरो बन गया। देवा सभी के साथ मदन को भी मारने का आदेश देता है। तभी वहाँ श्रेया खड़ी रहती है, जिसे देख देवा डर जाता है। इस पर श्रेया कहती है, मुझे आपकी सच्चाई का पता चल गया है। देवा अपने आदमियों से श्रेया को वहाँ से ले जाने को कहता है। वह कदरीवन से कहता है, रुद्रा और प्रॉपर्टी के लिए मुझे श्रेया को भी मारना होगा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। यह कहकर वह कदरीवन की पिटाई करने लगता है। कदरीवन एक एक कर सभी की पिटाई करता है। आखिर में देवा कदरीवन पर गोली चलाता है और कदरीवन गोली से घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। श्रेया, मगेल और गौरी निराश होकर कदरीवन की तरफ देखती हैं। देवा कदरीवन पर दोबारा गोली चलाने वाला होता है कि तुम्हें मरने से पहले मरने का कारण पता होना चाहिए। देवा हंसता है कि बंदूक के निशाने पर तो तुम हो। तब कदरीवन बताना शुरू करता है कि मेरे पापा के बताने के बाद से ही मैंने श्रेया को फॉलो करना शुरू किया। मुझे पता था कि मेरे अलावा भी कुछ लोग श्रेया को फॉलो कर रहे हैं। मैंने मदन को उन लड़कों को फॉलो करने को कहा और तुम्हारे सारे गलत कामों का पता लगाया और अपने पापा के कहने पर तुम्हारे साथ गेम शुरू किया। मैंने ही मेरे दोस्त मदन को तुम्हारे पास भेजा। तुम्हारा प्लान था कि मैं
मैं स्कूल में जाऊं, पर मेरा प्लान ही था कि मैं स्कूल में पकड़ा जाऊं। रुद्रा के घर कपड़ों का दोनों कुरियर मैंने ही अलग अलग टाइम पर भिजवाया, एक मेरे पकड़े जाने से पहले और एक बाद में। मैंने रुद्रा को श्रेया का ड्रेस देकर कंफ्यूज कर दिया। रुद्रा घबरा गई और मैंने उसके उस हालात का फायदा उठाया। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि रुद्रा श्रेया को ढूंढने के लिए मुझे बोलेगी। तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को रुद्रा के सामने एक्सपोज करने के लिए मैं बॉडीगार्ड अहमद के साथ गया, जिससे रुद्रा को हर अपडेट मिल सके। मैंने तुमसे ही तुम्हारे आदमियों को मरवाया और तुमसे ही कंटेनर खुलवा के बच्चों को छुड़वाया। मुझे लगा अब तुम्हारा खेल खत्म, लेकिन अगले दिन तुम्हारी एक्टिंग देख रुद्रा ही नहीं मैं भी चौंक गया। रुद्रा के आवाज को मैंने अपने पास रख लिया। मुझे पता था कि तुम मुझसे बदला लोगे, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरी बेटी को ही किडनैप कर लोगे। तुमने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया और रुद्रा से पैसे लेने मुझे भेजा। रास्ते में मैं जीप से उतर कर इसलिए भागा ताकि हार्ट बीट बढ़े और इससे अलर्ट मैसेज रुद्रा के मोबाइल पर जाए। अभी तक रुद्रा अपनी वॉच की मदद से तुम्हें ट्रैक कर चुकी होगी। श्रेया के होश में आने से पहले उसके हाथ मैंने ही मदन को बोलकर खुलवा दिए, जिससे तुम्हारी बेटी तुम्हारी सारी बात सुन सके। तुम्हें लगा कि सिर्फ तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी बात सुनी है, पर मैंने मेक श्योर किया कि तुम्हारी वाइफ रुद्रा भी तुम्हारी बात सुन सके। क्या कहा था तुमने कि तुमने मेरा प्लान ओवरराइड किया? नहीं, ये मेरा ही प्लान था कि तुम मेरा प्लान ओवरराइड करो। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो रुद्रा यहाँ आ गई होगी और वो अपने साथ गन लेकर आई होगी जो मैंने उसके लिए छोड़ी थी। तुझ जैसे इंसान को जिंदा नहीं रहना चाहिए। तभी देवा के सिर पर गोली लगती है जिसे रुद्रा ने चलाई थी। कदरीवन रुद्रा के आगे हाथ जोड़ लेता है। अगले सीन में कदरीवन अपने दोस्त मदन और मगिल के साथ अपने गाँव में होता है, जहाँ मगिल झूला झूलती है। वही मदन कदरीवन से पूछता है, जो हुआ उसका असर हमारे आने वाले जीवन पर तो नहीं पड़ेगा? इस पर कदरीवन कहता है कि पुलिस कमिश्नर देवा की लाश को शायद ढूंढ लेगा और रुद्रा तक पहुंचने की कोशिश करेगा, पर उसे कदरीवन का सामना करना होगा क्योंकि रुद्रा की वजह से ही मेरी बेटी जिंदा है। इसलिए मैंने पीछे एक क्लू छोड़ा है क्योंकि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।